तहसील के सामने 5 दिनों से बैठे अनशनकारियों का आज हुआ समापन। दरअसल आपको बता दें कि टहरौली तहसील के सामने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व प्रधान बाबू सिंह कक्का के नेतृत्व में एक आमरण अनशन का आयोजन किया जा रहा था, जो 5 दिनों से लगातार आमरण अनशन चल रहा था। उसी के बाद आज पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य एवं बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय पहुंचे और वार्तालाप कर उन्होंने जूस पिलाकर एवं सम्मानित कर अनशन का समापन कराया। दरअसल अनशनकारियों की मांगों को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए संबंधित अधिकारियों ने भी भरोसा दिया है, जिसके बाद अनशनकारियों ने अनशन समाप्त किया है। टहरौली से ब्रजेंद्र सोनी मोनू की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने बाबूजी को प्रणाम करना चाहते हैं, उनके साहस को नमन करना चाहते हैं कि वो इस उम्र के पड़ाव पर आकर बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए आमरण अनशन पर बैठे जी। देखिए, बुंदेलखंड राज निर्माण तो हम करा कर रहेंगे, इसके लिए जो भी कुर्बानी देना हो, जो संघर्ष करना हो, जो लोकतंत्र में हमें अस्त्र शस्त्र दिए हैं, उन सबका उपयोग और दुरुपयोग करते हुए हम बुंदेलखंड राज तो बनवा लेंगे। अभी हम लोगों ने 8 सांसदों का पुतला फूकना शुरू किया है, जो 8 सांसद चुप हैं, सिर्फ एक हमीरपुर के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी को छोड़कर। दशहरे के पहले दशानंद का पुतला फूका जाएगा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का भी चेहरा जोड़ा जाएगा। वो इसलिए कि आप भी उस 3 साल के वादे में शरीक थे, जब ये वादा बुंदेलियों से किया जा रहा था। कब तक झूठ बोलोगे, कब तक वादा खिलाफी करोगे, कब तक जुमलेबाजी देते रहोगे, कब तक बरगला के वोट लेते रहोगे। अब इम्तिहान हो चुकी है, बुंदेली जाग चुका है, हमारा इम्तिहान और मत लो, वरना 24 के चुनाव में अपनी सीटें तलाशना बुंदेलखंड में, सीटें तलाशना अपने बुंदेलखंड में, फिर मत कहना कि बुंदेली ऐसे निपटाता है। ये ध्यान रखना, आज बाबू जी का अभी आमरण अनशन हम लोगों ने उनके चरण छू के उनसे गुजारिश करके समाप्त कराया है और उनका आंदोलन समाप्त हुआ है, उनका अनशन समाप्त हुआ है। आंदोलन जैसे चल रहा था वैसे ही हम लोग चलाते रहे। बुंदेलखंड के लोहे पुरुष बाबू सिंह यादव के नेतृत्व में जो 8 उनके सहयोगी हैं और क्षेत्र की पूरी जनता है जो आमरण अनशन कर रही थी, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे थे जी। वो इस माटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन प्रदेश सरकार मुंबकर्णी नींद में सोई। आज जब पूरे बुंदेलखंड के अंदर एक आवाज है कि बिना राज्य बने बुंदेलखंड की समस्या दूर नहीं हो सकती, तो मुख्यमंत्री जी को किसी को भेजना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं भेजा। प्रधानमंत्री जी ने भी वायदा करके बुंदेलखंड प्रांत का मुद्दा ठुकराया। आज बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा पलायन होता है, ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन हजारों की संख्या में यहाँ से लोग, चाहे वो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश का, ट्रेनों में जानवरों की तरह नहीं जाते हों। आज कांग्रेस ने जो पैकेज दिया था, उस पैकेज में जो मंडी बनी, उसमें ढोर बने हैं, उसमें जुआ खेला जाता, उसमें शराब पी जाती, लेकिन उसमें सरकारों ने कोई भी स्टाफ की नियुक्ति नहीं की। आज जो कक्का ने आंदोलन किया, वो आंदोलन स्थानीय मांग है, और जो यहाँ की सबसे बड़ी मांग है कि जिला बनाया जाए, वो सारी मांगे जो प्रदेश के मुखिया को करना है और जो मांग प्रधानमंत्री को करना है और जो जिले के अधिकारियों को करना है, उन मांगों पर अभी यहाँ पर अधिकारी अपनी सहमति दे के गए। हमने उन्हें समय दिया है, हमारा आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन स्थगित किया है, वो भी जो हम लोगों ने कक्का से आग्रह किया, उनके चरणों में जब भानु सहाय ने अपना सिर रखा, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के लोगों ने उनके चरणों में सिर रखा, हम लोगों ने बिना अनुभव किए तब कक्का जी, चूंकि उनकी हालत गंभीर, उन्होंने आंदोलन स्थगित किया। और मैं कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के लोगों में बहुत ताकत है। हम जैसे मामूली घर का व्यक्ति जब सांसद बना, तो कोई भी आदमी वो 1,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी छीन के नहीं ले जा पाया, कोच फैक्ट्री नहीं ले जा पाया, बुंदेलखंड पैकेज यहीं पे आना पड़ा। आज जितने भी तरह के काम है वो बुंदेलखंड लोगों की ताकत का एहसास पे होते हैं। हम चाहते हैं कि ये सरकार कुंभकर्णी नींद से जागे और बुंदेलखंड के
जो किसान परेशान है, जिनको ना सूखे का मुआवजा मिलता, ना अतिवृष्टि, ना अनावृष्टि, आज रोज एक किसान आत्महत्या कर रहा। क्यों कर रहा? क्योंकि सरकार किसान विरोधी है। ऐसे में बाबू सिंह दादा के द्वारा जो आंदोलन है वो पूरी तरह से एक धर्म है, एक कर्तव्य है, और सब लोग उसका समर्थन करते हैं। और अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो व्यापक आंदोलन टहरौली में भी होगा और हम लोग कमिश्नरी हेडक्वार्टर में भी करेंगे।